लव द कंपोजिशन और बहुत अच्छा यू नो एक एक गाने होते हैं जिनको सुनकर बहुत अच्छा लगता है, सुनने का मन करता है. यू नो दीज आर ऑल सॉन्ग्स पार्ट ऑफ अ प्लेलिस्ट. तो चाने मन शराब इज अ बिग एल्बम, फर्स्ट गाना अभी टाइटल ट्रैक अभी अनवील हुआ है. आगे की क्या प्लानिंग है जाने मन शराब में, क्या ऐसी यूएसपी एज अ कंपोजर आप पाते हैं जो आप ऑडियंस शेयर करेंगे? जी अभी तो कंग्रेचुलेशंस टू शेखर भाई एंड को भी भाई के पूरा एल्बम आप लोगों के लिए हम रिलीज़ कर रहे हैं. दिस इज़ द फर्स्ट सॉन्ग और आप लोगों को जैसे जाने मन शराब एक अलग रंग है. सो बेसिकली हम वजहें दे रहे हैं आप लोगों को, हर किसी की अलग अलग वजह होती है शराब पीने की. तो दिस इज़ वन ऑफ आवर वजह. तो इस तरीके से हम आपको प्रेजेंट कर रहे हैं कि आपको आप इसको सुने, इंजॉय करें, सेलिब्रेट करें. सेलिब्रेशन का गाना है एंड इट्स ब्यूटिफुल ट्रैक, ट्रेंडी है और मज़ेदार बना. और जब बना तो मज़ा आ रहा था शेखर भाई के साथ जब हम काम कर रहे थे, तो प्रिपरेशन के वक्त में बहुत ज़्यादा मज़ा आया. अब बस आप लोगों के लिए रिलीज़ कर रहे हैं, ये रिलीज़ हो चुका है. सो इन्जॉय करें और उसे जितना हो सके शेयर करें और मज़े लें गाने के. आप लोगों की इतनी अच्छी टीम है, वंडरफुल डुओ, यू नो योर होल पैकेजिंग ऑफ सॉन्ग मेकिंग टू कंपोजिशन टू इंसेप्शन ऑफ द सॉन्ग, फिर जब सारे गाना बनता है, यू नो फर्स्ट नोइंग शेखर्स यू नो हिज हाईलाइट पॉइंट्स जब आप गाना बनाते हैं, तो हाउ डू ऑल यू नो व्हाट आर दोस बैक एंड मोमेंट्स जो गाना सुन के हमें नहीं पता चलता कि गाना बनने में ये सब भी हुआ. एग्जैक्टली. सो प्रोसेस, हर सॉन्ग का एक अपना प्रोसेस होता है. तो इस गाने का भी एक अपना प्रोसेस है. जिस तरीके से इसके लिरिक्स हमने लिखवाए हैं, तो पहले इसका हमने आइडिया डिस्कस किया कि शेखर भाई इस बार किस तरीके से अपने आप को ऑन स्क्रीन एंड बाय वोकल एज अ सिंगर ऑल्सो वो प्रेजेंट करना चाहते हैं. तो वी हैव डिस्कस दिस आइडिया लॉट ऑफ टाइम्स. फिर हम एक डिसीजन पे आए कि हमें ऐसा एक ट्रैक करना चाहिए. अगर हम एल्बम कर रहे हैं तो हमें एक जाने मन शराब जैसा एक ग्रूवी ट्रेंडी ट्रैक भी देना चाहिए, बिकॉज अब सेलिब्रेशन का वक्त चल रहा है और न्यू ईयर आ रहा है, तो लोगों को एक डांसिंग बैंगर, पार्टी बैंगर चाहिए. सो दिस इज योर सॉन्ग गाइस, एंजॉय इट आप लोगों के लिए. आगे एल्बम की एंटीसिपेशन क्या रहेगी, नेक्स्ट सॉन्ग कैसा है, एल्बम में किस तरीके का फ्लेवर है? सो जाने मन शराब बेसिकली ये जो फर्स्ट सॉन्ग है, आप इससे इस एल्बम को जज ना करें, क्योंकि इस एल्बम में आप लोग के लिए हर एक गाने में एक अलग फ्लेवर है, एक अलग मज़ा है. और आप लोगों को हर गाना सुन के ये लगेगा कि यार ये तो इस टाइप का हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था. जी सो वी आर जस्ट ट्राइंग टू गिव यू गाइज एज यू नो कि हम अपनी तरफ से अलग अलग तरीके से आप लोगों को सुनने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें हम कोशिश कर रहे हैं कि बनाएं और आप तक पहुँचाएँ. सो इस एल्बम में वो सारा मसाला है, सारा मज़ा है. प्लस शेखर भाई को आप इतने अलग अलग वेरिएशंस के गाने गाते हुए आप इस एल्बम में सुनोगे कि मज़ा आ जाएगा आप लोगों को. एल्बम की बात की जाए, अभी मेरा सवाल आप दोनों से है, सिंगल का ज़माना चल रहा है, उसमें एल्बम एक यू नो एक न्यू एंट्री होती है, वेरी रेयरली नाउ वी गेट टू सी एल्बम. तो उसके पीछे क्या थॉट था शेखर टू मेक एन एल्बम? मुझे ऐसा लगता है कि एल्बम करना आर्टिस्ट के लिए एक बहुत बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि एल्बम एक आर्टिस्ट की वैल्यू के साथ साथ उसको मतलब एक आर्टिस्ट का एक वो बनाता है कि भाई एल्बम एक करना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इतने गाने इकट्ठे करना बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ भी है, लेकिन एक प्रसेप्शन बनाने के लिए, एक एक आर्टिस्ट की वैल्यू बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है. और आर्टिस्ट के लिए मुझे लगता है एल्बम करना बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि उससे जैसे कि पहले हुआ करते थे कि पहले एल्बम्स ही आया करते थे, जैसे दलेर भाजी, मिका सिंह जी, जो पुराने सिंगर्स जितने भी है, शान, सोनू जी, तो उन सब के एल्बम्स ही आया करते थे. तो बीच में फिर रिमिक्सेस आए और फिर सिंगल्स का ज़माना आ गया. तो ये नहीं है कि ऑडियंस के लिए हम लोग कुछ अलग कर रहे हैं ऐसा कुछ, बट वी आर टेकिंग दिस रिस्क कि अब लोगों को वक्त निकाल के अच्छी चीज़ें अगर सुननी है तो आपको वक्त निकाल के फिर इस पूरे एल्बम को सुनना है. क्योंकि आजकल रील्स का टाइम चल रहा है, तो सब 30 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स में स्क्रोलिंग चल रही है. बट वी हैव आर फिंगर्स क्रॉस्ड और इंशाल्लाह इसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलने वाला है. और गाने इतने प्यारे हैं कि आप लोग इसको पक्का ही सुनेंगे और उसको शेयर करेंगे इंशाल्लाह. मैं आपसे जिससे भी बात कर रहे थे सर की एक्टिंग के बारे में, आपसे जानना चाहूँगा
आप सबने वीडियो तो देखा ही होगा, तो शेखर भाई को मैं पर्सनली जानता हूँ, एंड जिस तरीके से इन्होंने इस वीडियो में अपने आप को प्रेजेंट किया और एक्ट कर रहे हैं, माय गॉड, ये तो कम्प्लीटली एक ऑपोजिट साइड ऑफ शेखर हम देख रहे हैं, एंड विच इज अमेजिंग. आई एम लविंग हिम इन द वीडियो. क्या लुक्स हैं आपके और क्या आपने काम किया, सीरियसली. लेकिन आपने गाना भी बहुत ही अच्छा बनाया. जी थैंक यू. अभी आप देख लिया, आप पहले शेड से ही हम तो सरप्राइज हैं, तो इंशाल्लाह बहुत सारे शेड्स ऑफ शेखर हैं जो आप सबको देखने मिलेंगे. बहुत कुछ मिलेगा. जी जी जी. शेड्स ऑफ शेखर के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं. जी. क्या कुछ आप लास्ट में कहना चाहेंगे ऑडियंस के लिए जो आगे पे आप देखेंगे? हम लोग ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया है, और इस चीज़ को बहुत टाइम लगा है. एल्बम बनाना कोई आसान नहीं होता है, बिल्कुल, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग. हाँ, यस, लगभग हमें एक साल लगा इस एल्बम को पूरा करने में. तो आप लोगों के लिए बनाए हैं, आप लोगों के लिए मेहनत की है, तो आप लोगों का हक बनता है कि आप लोग इसे सुने, इसे पसंद करें. अगर आपको पसंद आ रहा तो इसको फैलाएं जितना हो सके, और इन्जॉय द सॉन्ग, इन्जॉय द एल्बम. बस, थैंक यू.